सुभान अल्लाह बोल दीजिए। इंशाअल्लाह आपको नया कलाम सुनने के लिए मिलेगा, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले आप लोगों के बस्ती के अंदर में आया था और जुमा के अंदर भी मैं बयान करके गया हूँ। मैंने माहौल देखा, इसलिए मैं दो चार मिसरे पढ़ दिया, लेकिन हकीकत बात तो है कि आज ये मदरसा ही नहीं बल्कि अगर मुसलमान कौम हर चीज़ में पीछे है तो सब हकीकत में देखा जाए तो आपसी भेदभाव के मुतालिक ये सारा निज़ाम बिगड़ा हुआ है। अगर आपसी मोहब्बत पैदा कर ले तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि आज भी मुसलमान के अंदर वो पावर है कि ये समंदरों के अंदर रास्ता बना सकता है। बस आपसी मोहब्बत को बढ़ा ले इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब सुनिएगा, इंशाअल्लाह नया कलाम है और मैं अक्सर मजमे में पढ़ा करता हूँ, सुनिएगा इंशाअल्लाह। और ये कामयाब कलाम है क्योंकि बहुत सारे साथी बैठे हैं। मैंने सोचा कि हो सकता है कि चार पांच आदमी के बीच ही पढ़ के चले जाऊंगा, लेकिन माशाल्लाह खूबसूरत सा मजमा बन गया या और यही मजमा जो है इंशाल्लाह कामयाबी तक जाएगी हम लोगों को और ये मदरसा भी कामयाब होगा। सुनिए कि नफरतों की दीवारें छोड़ना जरूरी है, कि नफरतों की दीवारें छोड़ना जरूरी है, कि नफरतों की दीवारें छोड़ना जरूरी है, कि
हर बशर को आपस में अरे जोड़ना जरूरी है कि हर बशर को आपस में जोड़ना जरूरी है। आज कहते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती। मैं कहता हूं कि अपना अमाल अगर आज भी बना ले तो इंशाअल्लाह आज भी वही मदद अल्लाह की तरफ से आएगी। हम लोगों के अंदर क्या खामियां हैं, हम लोग कभी अपने ऊपर नहीं झांकते, दूसरों के पीछे हम लोग पड़े रहते हैं। सुनिए बहुत खूबसूरत मिसरा है, अगर समझ में आए तो कम से कम सुभान अल्लाह बोलिएगा, आपको दसने की तो कम से कम मिलेगी। कि नफरतों की दीवारें छोड़ना जरूरी है कि हर बशर को आपस में जोड़ना जरूरी है कि दीन पर जो आई है ये हवा के फितने के दिन पर जो आई है ये हवा के फितने के दिन पर जो आई है ये हवा के फितने के रुख तो इन हवा का मोड़ना जरूरी है के रुख तो इन हवा का मोड़ना जरूरी है के हर बशर को आपस में जोड़ना जरूरी है। इंशाल्लाह और वक्त मिलेगा तो इंशाल्लाह फिर जो है मेरी हाजिरी होगी तो चार मिसरे पढ़ के जगह लूंगा।